जानकारी के लिए हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी आज अपने आप को एक थोड़ा सा चिंतित महसूस कर रहा है। अभी क्या होगा नेशनल गेम्स में, कौन सी टीम जाएगी, जिसका सिलेक्शन कल होना हो जाएगी या जिसका आप लोग पहले कर चुके हैं, कुछ सब एक बार प्लीज खिलाड़ियों को पहलवानों को आप एक बार मार्गदर्शन करें। मैं सभी पहलवानों से, संचालकों से और जितने भी मेरी जिला की टीम, हरियाणा की टीम से विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हमारे मंत्री जी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ चंद लोग उनके साथ लग के और कुश्ती को गिराना चाहते हैं। और हमारे मंत्री जी को तो पता नहीं क्या विशेष हो गया है, कबड्डी में देख लो, कुश्ती में देख लो, साइकिलिंग में देख लो, हॉकी में देख लो, उन्होंने अपना पार्ट अदा करना है, ये सत्ता का दुरुपयोग। तो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा, जो हमारे नेशनल गेम्स की टीम बन चुकी, उनका हमारा सब कुछ लिस्टें जा चुकी, कोच की लिस्ट जा चुकी, हर पहलवान के वजन, उनके आई कार्ड उनके आ चुके, अब वो कौन सी टीम बनाना चाहते हैं, तो ये गुमराह कर रहे हैं पहलवानों को। और देखो, दो नावों में जो भी पहलवान पैर रखेगा उसका भविष्य अंधकार में, खतरे में जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरण जी ने ये पहले क्लियर कर दिया था कि इस तरह अगर पहलवान दो दो जगह जाके कुश्तियाँ लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता उनका भविष्य सही रहेगा, और जो फेडरेशन से बाहर जाएगा उसका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, वो इंटरनेशनल पहलवान जिंदगी में कभी बन ही नहीं पाएगा। तो पहलवानों से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि वो केवल नेताजी के साथ, उनकी जो टीम है उनके साथ रहें, और जो पहलवानों का नाम जा चुका है, उनके माँ बाप, उनका कितना भाईचारा, कितना हरियाणा उनकी तरफ देख रहा है, जो सिलेक्शन हो चुका है कैसे हो सकता है दोबारा सिलेक्शन, ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये केवल ताकत की लड़ाई है, इसमें नेताजी को इस तरह का रोल अदा नहीं करना चाहिए। मैं मंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि इस तरह का व्यवहार ना करें, हमारे राष्ट्र के, हमारे पूरे देश के पहले भी स्पोर्ट्समैन मंत्री रहे, उन्होंने भी देश में खेल का सत्यानाश किया, आज हमारा हरियाणा भी उसी दिशा में जा रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी स्पोर्ट्समैन को खेल का मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाके उन्हीं में अवगुण ढूंढता है, उनके लिए स्पोर्ट्समैन गंदे हो जाते हैं, कोच गंदे हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे भाई को बनाया क्यों था कि खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, खेल की भावना को समझता है, खेल के दर्द को समझता है, गरीब अमीर के दर्द को समझता है, लेकिन ये तो सत्ता का सरेआम दुरुपयोग हो रहा है और अपनी ताकत को दिखा रहा है कि मैं मंत्री हूँ। मंत्री कितने दिन का होता है, लास्ट 5 साल, अब तो बचे ही 14 महीने हैं, तो 14 महीने के बाद क्या होगा। इस तरह की जो आज घटनाएं हो रही हैं, जो दो दो फेडरेशन बना के तैयार कर दी हैं, तो इसको आप क्या कहोगे। ये हमारे मुख्यमंत्री की जो है बेइज्जती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पहलवानों के लिए 28-28 करोड़ रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारा बेटा एक जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसको कितना पैसा दिया। अगर इसी तरह फेडरेशन दो दो काम करती रहेंगी तो मुख्यमंत्री का भी दिल टूट जाएगा। और हमारे मोदी जी ने कुश्ती की वो तारीफ की है जो किसी देश के लिए भी, आज मोदी जी की तारीफ करते हैं वो ये मान के चलो, मोदी जी तारीफ करते हैं तो दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, सब कुछ सोच के करते हैं। नेताजी ने अपना तन मन धन सब कुछ कुश्ती को दे दिया। अरे आप उसी आदमी के खिलाफ आप जा रहे हो, वो बीजेपी के 7 बार के सांसद हैं, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा सत्ता का दुरुपयोग इतना नहीं होना चाहिए। मैं विनती करूँगा पहलवानों से भी कि वो जो सिलेक्शन हो चुका है मैं लिख के देता हूँ, उसके अलग कोई टीम लड़े तो आके मेरा कान पकड़ लेना, जो टीम सिलेक्ट हो चुकी वही रहेगी, वही रहेगी, वही रहेगी।